नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नमस्ते स्वाद पे। फेस्टिवल्स में बहुत कैलोरीज वाला खा लिया, मीठा खा लिया, आज कुछ हम डाइट वाला सीखते हैं खाने का। डाइट पिज्जा जिसमें नो बटर, नो ऑयल, नो चीज, नो मैदा, फुल ऑफ प्रोटीन एंड लो कैलोरी। तो आइए विधि जी, हमें आज आप दिखाइए डाइट पिज्जा कैसे बनता है। तो ये पिज्ज़ा ऐसा है जो बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं और सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए अनियन कटा हुआ, कैप्सिकम कटा हुआ, टमेटो चॉप्ड। अभी ये टमेटो सॉस है जिसके अंदर मैंने गार्लिक और सॉल्ट पहले से मिक्स करके उबाल दिया है, चिली फ्ले ऑरिगैनो, सॉल्ट, और ये वीट का आटा है, गेहूं का आटा। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाला है और नमक और कॉर्नफ्लेक्स से विदाउट घी विदाउट बटर में पानी से बांधा हुआ है ये डो। ओके, ये बाइंडिंग करके आपने पहले से इसको पहले से हमको 4 घंटे भिगोना पड़ता है। इसमें नो ईस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको 4 घंटे हमको भिगोना पड़ता है, इसलिए मैंने बांध के रख दिया था सुबह। और ये है पनीर, पनीर ग्रेट किया हुआ है और इसके अंदर भी मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाला है और कॉर्नफ्लेक्स और नमक के साथ मैरिनेट किया हुआ है। इसको भी आधा घंटा भिगो के रखना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वेजीज की रेसिपी। चलिए हम वेजीज का मिक्सचर चालू करते हैं। उसके लिए हमें पहले पैन को थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑयल और बटर नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये पैन हीट होते ही इसमें विदाउट ऑयल और बटर हम डालेंगे अनियंस और उसके ऊपर थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट, इससे थोड़ा पानी बन जाएगा अनियंस का, तो हमें ऑयल और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसको सौते करते करते हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक रहा देखना है। ये लाइट ब्राउन होते ही या ट्रांसपेरेंट होते ही इसके अंदर हम डालेंगे अदर। आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें मशरूम, बेबी कॉर्न, जो भी है वो डाल सकते हैं, पर बच्चों को ये 3 चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो हम ये भी इसका ही मिक्सचर बनाएंगे। अभी हम डालेंगे थोड़ा कैप्सिकम और टमेटो और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ऑयल और घी की ज़रूरत नहीं है, इसके ही पानी से हम पूरा मिक्सचर कुक कर लेंगे। अभी डालेंगे थोड़ा और सॉल्ट, थोड़ा सा चिली ऑरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। हम पहले से कुक कर रहे हैं इसको क्योंकि इसमें ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो का टेस्ट बैठ जाए। कच्चा कच्चा पकाने से वो सॉल्ट और ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स का टेस्ट आता नहीं है। ये हमारा मिक्सचर बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा और इसको हम एक बोल में निकाल देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसको हम डालेंगे एक सर्विंग बोल में। ये हमने मिक्सचर बोल में निकाल दिया है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है मिक्सचर। अभी हमें पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मिक्सचर, हमारा डो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ग्रेटेड पनीर जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लेक्स डाल के मैरिनेट किया है। अभी फ़िलहाल हम इसकी रोटियां बनाएंगे, छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे और इसका बेस बनाएंगे। ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी, ये है ग्रेटेड पनीर विथ सॉल्ट एंड कॉर्नफ्लेक्स, ये है चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और हमने टमेटो प्यूरी बनाया है पर उसमें हमने गार्लिक और सॉल्ट डाल के बॉयल किया है ताकि इसमें थोड़ा फ्लेवर आए। अभी हम और ये हमारा जो डो है उसकी हमने रोटियां बना ली है और ये देखिए छोटी छोटी रोटी बनाएंगे ताकि ये सबके मुंह में डायरेक्टली चला जाए। अभी हम पिज्ज़ा बनाने को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले लेंगे हमारा बेस, सेम जैसे पिज्ज़ा ब्रेड पर बनाते हैं वैसे ही बनाना है। फिर हम इसको लेयर करेंगे टमेटो प्यूरी के साथ, ये देखिए
आप देखिए कि टमेटो प्यूरी में बहुत पानी ना हो, क्योंकि ये रोटी पे है तो पिज़्ज़ा थोड़ा सॉगी हो सकता है। ये हमने लेयर किया इसके साथ। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े वेजीज। इवनली स्प्रेड आउट कीजिए, ऐसा ना हो कि सेंटर पे ही वेजीज रहे, क्योंकि फिर पिज़्ज़ा का ब्रेड थोड़ा फीका हो जाएगा। ये इवनली हमने स्प्रेड कर लिया वेजीज को। मैंने पहले भी बोला था इसके अंदर आप वेरिएशंस कर सकते हैं, इसमें मशरूम, बेबी कॉर्न, कुछ भी आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और अभी हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए, चीज़ के सब्स्टिट्यूट में हम डालेंगे पनीर। और इसको क्रंची बनाने के लिए इसके अंदर हमने डाला है कॉर्नफ्लेक्स, कि ताकि जब हम मुँह में इसको खाएं तो इसका क्रंचीनेस हम टेस्ट कर पाए। और इससे गार्निश करेंगे हम थोड़े चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो से। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है तवे पे जाने के लिए। हम इसको अवन में बेक नहीं करेंगे, तवे पे सेकेंगे। चलिए, इसे हमने पैन पे प्लेस कर दिया है। अभी पैन को हीट करने के बाद हम इस पे, थोड़ा हीट होने के बाद इसको लिड कर देंगे हम। थोड़ा गर्म होने दीजिए और थोड़ा टेम्परेचर लो रखिए ताकि नीचे से जल ना जाए। ये हीट हो चुका है, अभी इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। इसको चेक करने के लिए हम इसे उठा के उसका बेस चेक करेंगे। ये पक गया है, बस 2 मिनट और हम तवे पे रख के इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। अभी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के इसका बेस थोड़ा और क्रिस्पी करेंगे एंड देन इट्स रेडी टू सर्व। ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी। ये हो गए आपके डाइट पिज़्ज़ा रेडी। दिखने में तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जैसे नॉर्मल पिज़्ज़ा जैसे दिख रहे हैं। टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपने अभी रेसिपी देख ली है तो लाइक और कमेंट तो बनता है, प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भूलना मत। नाउ लेट्स टेस्ट आवर पिज़्ज़ा। इज इट क्रिस्पी? नो, या बेस भी बहुत काफी क्रिस्पी है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप भी टेस्ट कर लीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।